हेलो स्टूडेंट्स, आज अब अध्ययन करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश लिटरेचर। इसका आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 2, द गोल्डन टच। द गोल्डन टच मीन्स सोना छूना। एक किंग है, वो अपने रूम में चारों तरफ देखता है कि चारों तरफ उसके रूम में सोना ही सोना है और वो बहुत खुश होता है। किंग मिडास लुक्स अराउंड हिज रूम। देयर आर बैग्स फुल ऑफ गोल्ड। द किंग इज वेरी हैप्पी, ही इज टचिंग ऑल थिंग्स मेड ऑफ गोल्ड। एक राजा है, राजा का नाम है मिडास। लुक्स देखता है अराउंड हिज रूम, में अपने रूम के चारों तरफ देखता है, रूम में चारों तरफ देखता है। There are bags full of gold, सोने से भरे हुए चारों तरफ बैग रखे हुए हैं। The king is very happy, राजा बहुत खुश होता है। He is touching all the things made of gold, वह सोने की बनी हुई सभी चीज़ों को वो छूता है। ही टचिंग, छू रहा है ऑल थिंग्स, सभी चीज़ें मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने से बनी हुई सभी चीज़ें उनको वो छूता है। मिडास टू हिमसेल्फ, किंग मिडास टू हिमसेल्फ अपने आप से कहता है, अपने मन ही मन अपने आप से वो बातें कर रहा है। देर इज नथिंग ब्यूटीफुल कुछ भी इतना सुंदर नहीं है एक्सेप्ट गोल्ड, गोल्ड के सिवाय और कुछ, कोई चीज़ सुंदर नहीं है, सिर्फ गोल्ड ही सुंदर है और कुछ, गोल्ड में सोना के सिवाय और कोई चीज़ सुंदर नहीं है। ओ मिडास, हे मिडास, यू आर लकी, तुम कितने भाग्यवान हो। यू हैव हिप ऑफ गोल्ड, तुम्हारे पास सोने का ढेर है। यू हैव हिप्स ऑफ गोल्ड, यू हैव हिप्स ऑफ गोल्ड, हिप्स में ढेर, ऑफ गोल्ड तुम्हारे पास सोने का ढेर है, कि तुम्हारे पास इतने ढेर हैं कि सोने के ढेर लगे पड़े हैं, इतना सोना है। यू आर हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ, कि तुम, यू आर द हैप्पीएस्ट, सबसे खुश मैन आदमी हो ऑन द अर्थ, जमीन पर, तुम जमीन के पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा खुशी व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हारे पास सोना ही सोना है, सोने का ढेर है आपके घर पे, तुम सबसे ज़्यादा खुशी हो। जस्ट एन एंजल अपीयर्ड बिफोर हिम, मिडास लुक्स एट हिम विद ग्रेट सरप्राइज। तभी तुरंत एन एंजल, एक दूत अपीयर्स, प्रकट होता है बिफोर हिम, उसके सामने, तभी उसके सामने एक दूध प्रकट होता है। ये सोना है, सोने को टच कर रहा है, वो खुश होता है देख के कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा आपको खुश नहीं है, कि मेरे पास सोना ही सोना, सोने का ढेर लगा हुआ है मेरे पास। और तभी सामने से एक एंजल, एक दूध प्रकट होता है, एक परी प्रकट होती है। मिडास लुक्स एट हिम, मिडास उसको देखता है विद ग्रेट सरप्राइज, काफ़ी आश्चर्य से उसको देखता है। मिडास कह रहा है, मिडास हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू पूछता है, तुम कौन हो, What do you want? तुम क्या चाहते हो, What do you want? तुम मुझसे क्या चाहती हो। एंजल, दूत कहता, आई एम एन एंजल, मैं एक परी हूँ, मैं एक दूत हूँ। आई हैव कम टू फिल वन ऑफ योर विशेस, आई कम हियर, मैं यहाँ आई हूँ, मैं आया हूँ टू फिल, पूरी करने के लिए, वन ऑफ योर विश, आपकी इच्छाओं में से कोई एक इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आस्क फॉर एनी वन विश यू वांट, अपनी कोई भी एक इच्छा पूछो जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, जिसको चाहते हो कि ये मेरी इच्छा पूरी है, उसको पूछो, उससे मुझे कहो। मिडास थिंकिंग फॉर आ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए वो सोचता है। आई वांट टू हैव गोल्ड, इन फैक्ट आई वांट द गोल्डन टच, ओ एंजल आई विश, व्हेन एवर आई टच ए थिंग इट शुड चेंज इनटू गोल्ड। राजा कहता है कि मुझे सोना चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव सोना, मैं सोना चाहता हूँ कि मेरे पास सोना हो। इनफैक्ट वास्तव में मैं ये चाहता हूँ, आई वॉन्ट अ गोल्डन टच, कि मैं जो कुछ भी छूँ सोना हो जाए, मैं चाहता हूँ गोल्डन टच, मेरा जो छूना हो वो गोल्डन टच हो, छूते ही कोई चीज़ गोल्ड सोने की बन जाए। ओ एंजल आई बिज, मैं चाहता हूँ वेन एवर, जब कभी आई टच ए थिंग, जब कभी मैं कोई चीज़ छूँ, इट शुड चेंज इंटू गोल्ड, वो सोने बदल जाए, इट शुड चेंज इंटू गोल्ड, वो सोने में बदल जाए।
मेरे राजा ने परी से कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास सोना ही सोना हो, मैं गोल्डन टच चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे छूने से हर चीज़ सोने की बन जाए, जिस चीज़ को मैं छूँ वो सोना हो जाए। एंजल, तब परी कहती है, मतलब वो दूत कहता है जो प्रकट हुआ हुआ, आई वांट यू टू थिंक ट्वाइस मिडास, मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम थिंक सोचो ट्वाइस, दो बार मिडास, कि दो एक बार आप इस बात को सोच लो, जो आप कह रहे हैं, जो आप वरदान मांग रहे हैं, जो इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उसे एक दो बार सोच लें। इट्स फियरफुल, एक फियरफुल ये खतरनाक है, ये काफ़ी भयंकर है। इट विल नॉट बी गुड फॉर यू, इट विल नॉट बी गुड, अच्छी नहीं होगी फॉर यू, तुम्हारे लिए, जो इच्छा आप कह रहे प्रकट कर रहे हैं, जो इच्छा आप मांग रहे हैं, जो आप इच्छा बता रहे हैं, ये सही नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये आपके लिए हानिकारक होगी, अच्छी नहीं होगी। मिडास, नो इट विल बी गुड फॉर मी, नहीं ये मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। इट विल मेक मी हैप्पी, ये मुझे खुश करेगी। इसी पार्ट में इतना ही है, और आगे के लिए भी नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके.